गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज वीडियो आपका सामने बन रहा है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के सेकंड वीडियो पढ़ेंगे और हर सवाल को हम लोग 10 सेकंड में लगाएंगे। अगर 10 सेकंड में ना लगा तो आप वीडियो देखना छोड़ देना। हम लोग 10 सेकंड में हर सवाल को लगाएंगे, सवाल चाहे जितना टफ हो। और सेकंड क्लास हम लोग की प्रॉफिट एंड लॉस की। पहला सवाल आपको दिया गया, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये बेचता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में सवाल आता ही आता है। वो एग्जाम चाहे बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, सेकेंड क्लास है, तो लेवल धीरे धीरे आपका हाई होता जाएगा। अब अगर इसको हम लोग लगाएं डायरेक्ट, मान लो फैक्टर से लगाना चाहें, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? तो आप बताओगे 20/100, 1/5 लिख सकते हो। प्रॉफिट लॉस के केस में तो ये प्रॉफिट, ये सीपी होगा, नीचे की वैल्यू सीपी। 5 से खरीदा है तो प्रॉफिट ले बेचा कितने? 6 कमान किसके बराबर? बोलो 720 के, 1 कमान कितना? 120। तो 5 कमान 12 बनते 160 आ गया। ओवरऑल कर ले जाओ 20% 20/100, 1/5 आएगा। 5 से खरीदा, 1 का लाभ हुआ, बेचेगा 6 की वैल्यू, रेशियो में 6:720, 6 कमान 720, 1 कमान 120, 5 कमान कितना आ जाएगा बोलो? 600 आ जाएगा। बट पहले इसको हम लोग 100 से समझ लेते हैं। जब तक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन है तब तक 100 से क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट अगर वैल्यू आना स्टार्ट हो जाती है 11 से 1/9% या 12.5%, तो 100 जो होता है वो हम लोग के लिए टफ हो जाता है। बट पहले हम लोग 100 से सीखेंगे। आपके दो मेथड तो होते ही होते हैं और सेकंड मेथड से आपको पढ़ना है। बाकी सवाल हम लोग सेकंड मेथड से लगाएंगे, फर्स्ट को नहीं पढ़ेंगे। अब आप बताओ, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये बेचता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? उसने 720 का बेचा, 20% प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस बताना है हमें। तो हम लोग जब 100 से लगाते हैं तो मान लेते हैं सीपी जो था, कॉस्ट प्राइस जो था, वो कितना था बोलो? 100 रुपये था। अब आप बताओ, अगर 100 रुपये का खरीदा, 20% लाभ दिया, लाभ हुआ तो 100 में जोड़ोगे, हानि हुई तो 100 से घटा देंगे हम लोग। अब बताओ 100 का खरीदा, 20% लाभ हुआ, तो आप बताओ बेचा इसने कितने का होगा? तो आप बताएंगे 100 का खरीदा, 20% लाभ हुआ, 100 का 20% 20 रुपये होगा, 100 का खरीदा 20 रुपये का लाभ होता है, 120 का बेचा। अब बताओ अगर 120 का बेचा बट एक्चुअल में कितने का बेचा? एसपी को एसपी के बराबर तो यूनिट हमेशा सेम होगा, 120 की वैल्यू किसके बोलो? 720 के। तो एक कमान कितना आया? 0 चला गया, 12 76, 1 कमान 6 आया, तो 100 कमान कितना आएगा? तो आप बताओगे एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 6, आंसर कितना आया बोलो? 600 आ जाएगा। आपको दिया गया एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये बेचता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। हम लोगों ने मान लिया उसने खरीदा 100 का होगा, 100 का खरीदा 20% लाभ लिया तो बेचा 120 का होगा। आप बताओ इसने 120 का बेचा होगा, जो हम लोगों ने माना है, जो अनुमानित की गई वैल्यू, उसने 120 का बेचा, बट एक्चुअल में उसने 720 का बेचा, 120 का मान 720 के, तो बताओ 12 76, 1 यूनिट का मान 6 आया, तो 100 यूनिट का मान बताओ 100 × 6, आंसर 600 आ गया। बट ये कब तक आसान है? जब तक वैल्यू 20% है, 10% तब तक आसान है, नहीं तो वैल्यू तो 100 टफ हो जाएगा। अब अगर इसको फ्रैक्शन से, हालांकि हमें फ्रैक्शन से लगाना है, आप बताओ 20% को हम लोग क्या लिखेंगे? 20% को 20/100 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा बोलो? 1/5 हो जाएगा। कल आपने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100 या लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी गुणे 100 होगा। मतलब हर केस में नीचे जो होगा वो सीपी होगा। अगर प्रॉफिट लगा है तो ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट, अगर लॉस लगा है तो ऊपर की वैल्यू लॉस होगी। अब 20% को 20/100 / 1/5 लिखा, प्रॉफिट जुड़ा है तो ये प्रॉफिट हो गया और ये क्या हो गया बोलो? सीपी हो गया। अब आप बताओ 20% को हम सब लोग लिख सकते हैं, मैथ आती हो चाहे ना आती, 0 से कट गया, 2 × 5 = 10, 1/5 कितना आएगा? 5 सब लोग बना लोगे, वो चाहे टेट के एग्जाम दे रहे हो, चाहे जितने मैथ आपको ना आती हो, चाहे बिल्कुल 0 हो, तब भी आप 20% को 20/100 / 1/5 लिखेंगे। अब बताओ इसने अगर 5 का खरीदा, 1 का लाभ लिया, बहुत सिंपल है, अगर 5 का खरीदा 1 का लाभ लिया तो बेचा कितने का होगा? तो बताओ आप बता दोगे रेशियो में 5 खरीदा 1 का लाभ लिया तो बेचा इसने कितने का होगा? 6 का।
बट एक्चुअल में कितने का बेचा? 720 का। 6 का मान 720, 1 का मान 120। अगर 1 यूनिट का मान 120 आया तो 5 यूनिट का मान 5 × 120, आंसर 12×5=60 कितना आ जाएगा बोलो? 600 आ जाएगा। 20% को 20/100/5 लिखोगे, 5 का खरीदा, 1 का लाभ लिया तो बेचा 6 का होगा। एक्चुअल में कितने का बेचा? 720 का। रेशियो में 6 का बेचा, एक्चुअल में 720, 1 का मान 120, तो 5 का मान 5×120, आंसर 600। 10 सेकंड टाइम काउंट करके लगा सकते हो। 20% 20/100 / 5, 5 का खरीदा, 1 का लाभ, बेचा 6 का होगा। और एक्चुअल में कितने के बेचा? तो 720, 6 का मान 720, 1 का मान 120, 5 का मान 12×5=60, आंसर 600 आप बता ले जाओगे। 10 सेकंड टाइम काउंट करना हर सवाल को, सवाल चाहे जितना टफ हो, हम लोग 10 सेकंड में ही लगाने की आदत डालेंगे। और भूलोगे तो है ही नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ो सारे वीडियोस के बाद, ना किसी टीचर की जरूरत है और ना आप भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16.3% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? जैसे मान लो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 10 को सेकंड का नहीं है, 16.3% को आप क्या लिखोगे? 1/6 लिखोगे। 6 का खरीदा, 1 का लाभ, बेचा 7 का होगा। 7 का मान 1470, 1 का मान 210, 6 का मान 1260, 10 को सेकंड नहीं लगा। अब इसको 100 से लगाओगे सवाल लंबा हो जाएगा, जैसे देख लेते हैं एक नजर। सीपी आपने मान लिया 100 था, अब इसको प्रॉफिट 16.3% हुआ, मतलब 50/3% का इसको लाभ हुआ। अब 100 में जोड़ोगे, 100+50/3% बनेगा। अब एक्चुअल में कितना बना बोलो? 1470 बना, तो ये 350 आ जाए, 300+50, 350/3% आएगा, बराबर 1470 के आएगा। तो 100% का मान निकालेंगे हम लोग, 1470 × %, यहाँ 1470 × 3 × 100 कितना आएगा? 350 आएगा। फिर 0 0 गया, फिर हम लोग इसको 0 0 काट, 5 × 10 5 × 35 है, 7 से काटोगे 7 × 14 7 × 210 आया, और 3 × 6 0 6 × 6 = 1260। इतना बड़ा सवाल ही बन जाएगा, जबकि हम इससे नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आप फ्रैक्शन में नहीं आता तो हम कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू नहीं याद है तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे वैल्यू। अब आपको दिया गया 16.3% को आप लिखेंगे 16.3 × 50/3%, नहीं आता होगा तब, आपको नहीं पता तो आपने इसे 50/3% लिखा, और जैसे परसेंट हटाओगे 50/300 5×6=30, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? 1/6 बन जाएगा। आपको पता है हम प्रॉफिट लॉस में हैं, तो नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, ऊपर की वैल्यू बोलो क्या कहलाएगी? प्रॉफिट कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 16.3% को लाभ कमाता है। 16.3% 50/300 / 6 लिखा। अब आप बताओ, 6 का खरीदा, 1 का लाभ लिया, तो इसने बेचा कितने का होगा? 7 का बेचा होगा। अब बताओ, इसने रेशियो में 7 का बेचा, एक्चुअल में 1470 का बेचा, 7 का मान 1470, 1 का मान 7 से काट दो, 7 × 14 7×7 210 आ गया, 1 का मान अगर 210 तो 6 का मान 6×210 आंसर कितना आएगा बोलो? 0। 6×6 = 12 आंसर 1260 आ गया। कितने सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड। 16.3% 1/6 खरीदा, 1 का लाभ, 7 का बेचा, 7 का मान 1470, 1 का मान 210, 6 का मान 6×210 आंसर 1260 आ जाएगा। बना ले जाएंगे ना, आपने देखा 16.3% 50/300 / 6 आ गया, 6 का खरीदा, 1 का लाभ लिया, तो बेचा कितने हुआ? 7 का बेचा। बताओ रेशियो में 7 का बेचा, एक्चुअल में कितने का बेचा बोलो? 1470 का बेचा, 7 का मान 1470, 1 का मान 210, 6×6 × 210 आंसर 1260 आ जाएगा। तो हम लोग को ऐसे ही सवाल लगाने होंगे सारे। अब अगला सवाल इस पे हम लोग लेते हैं, इस पे 2 सवाल और लिखेंगे हम लोग, उसके बाद खत्म हो गया टाइम। अब देखो अगला सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का। एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.3% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस 330 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ रहे हो प्रॉफिट लॉस का, केयरफुली से पढ़िएगा, और सवाल को 10 सेकंड में लगाना है, एकदम 10 सेकंड के ऊपर में जाने नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। अब बताओ 16.3% 16/3% 16.3% अभी आपने पढ़ा है, इसको आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो 1/6। अब यहाँ पे वर्ड क्या जुड़ा? आपने देखा यहाँ जो वर्ड है वो हानि है, तो अगर हानि है तो ऊपर की वैल्यू लॉस हो जाएगी और नीचे की वैल्यू
हम लोग पढ़ रहे हैं नीचे की वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, चाहे हम प्रॉफिट परसेंट निकालें चाहे लॉस परसेंट निकालें, तो नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस, अगर हानि है तो ऊपर की वैल्यू हानि होगी। मतलब ये है कि अगर हम मान लो 6 रुपये कुछ भी खरीदें और 16 से 2/3% की हानि पे बेच दें, तो अगर 6 का 16 से 2/3% निकालोगे तो 1 रुपये का लॉस आएगा। इसका मतलब ये होता है, तो बताओ 6 रुपये खरीदा, 1 रुपये का अब हो गया नुकसान, तो बेचा कितने का होगा? 6 का खरीदा, 1 का नुकसान हुआ, तो इसने बेचा कितने का होगा? इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? अब 6 से 1 चला जाएगा, कितना आएगा बोलो? 5 आएगा। प्रॉफिट के केस में उठा के जोड़ दो, हान केस में घटा दो, क्योंकि लॉस बराबर आपने पढ़ा है सीपी माइनस क्या पढ़ा है बोलो? एसपी पढ़ा है। अब लॉस हुआ है 1 का, सीपी है 6, एसपी हमें पता करना है, तो एसपी कितना आ जाएगा बोलो? 6 से 1 जाएगा, इधर जाएगा 1, 6 से 1 गया, कितना आ गया बोलो? 5 आ गया। तो ये में लिखने की जरूरत नहीं होगी, तभी टाइम बचा पाओगे। लॉस के केस में घटा दो, हान के केस में जोड़ दो। अब बताओ 6 का खरीदा है तो नुकसान, बेचा 5 का होगा। अच्छा रेशियो में 5 का, एक्चुअल में 330 का, 5 का मान 330 के लिखोगे, 1 का मान जो आएगा काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 1 का मान 66 आया। अगर बताओ 1 यूनिट का मान 66, तो 6 यूनिट का मान 6×66 लिखोगे, और 6×66 6×36 के 6×36 39, तो आंसर कितना आया बोलो? 396 आ गया। 16 से 2/3% को 1/6 लिखोगे, 6 का खरीदा, 1 का नुकसान हुआ, बेचा 5 का होगा, और एक्चुअल में 330 का बेचा, 5 का मान 330, 1 का मान 66, तो 6 का मान 6×66 कितना होगा? 396। एकदम आसान सवाल, ओवरऑल हो सकता है 10 सेकंड में लगा सकते हैं। 1/6, 6 का खरीदा, 1 का नुकसान हुआ, बेचा 5 का होगा, एक्चुअल में 330 का, 1 का मान 66, 6 का मान 6×66, आंसर आप बताओगे 396 आएगा। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला सवाल है उसी टाइप पे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप आप पढ़ रहे हो, 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखते हैं सवाल, किसी वस्तु को 770 रुपये बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कहा गया अगर किसी आर्टिकल को हम लोग 770 का सेल करते हैं, तो 12.5% 12/2% का हमें लॉस होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? तो आपको पता है कि 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं 1/8, नहीं हमें पता होगा तो 12×2=24, 1/25, ये 25/2 क्या आएगा बोलो? तो आप बताओगे 25/2% आएगा। और जैसे परसेंट घटाओगे 25/200, 25×8=200, आप बताओ कितना आएगा? ये आपका 1/8 बन गया। अब आप बताओ जब हानि हुई है तो ऊपर की वैल्यू लॉस होगी, हानि होगी, और नीचे की वैल्यू हमेशा, अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो नीचे की वैल्यू हमेशा जो होगी वो कॉस्ट प्राइस होगी। 12.5% को हम लोग डायरेक्टली 1/8 लिख सकते थे। अब मान लो हमने परसेंटेज पढ़ा ही नहीं, परसेंटेज चैप्टर ही हमने नहीं पढ़ा है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं वैल्यू, चाहे जो भी दी जाए। 12.5% को 12×2=24 से 25/2%, जैसे परसेंट आओ 25/200, 1/8 आ जाएगा। अब बताओ 8 का खरीदा, 1 का इसको लॉस हो गया, एकदम सिंपल है, 8 का खरीदा, 1 का नुकसान हुआ, तो बेचा कितने का होगा? तो आप बताएंगे कि इसने बेचा होगा सर 7 रुपये का। 8 का खरीदा, 1 का नुकसान हो गया, तो बेचा कितने का होगा? हानि के केस में आपसे हमने कहा घटा दो, तो 8 से 1 गया, कितना आया बोलो? 7 आएगा। अब बताओ अगर रेशियो में 7 का बेचा, एक्चुअल में 770, 7 का मान 770 के, 1 का मान 110 आया, तो आप बताओ 8 का मान 8×110, आंसर 880 आया। ये क्वेश्चन समझ लो, अगर कक्षा 2 के बच्चों को करा दिया जाए तो वो सब आंसर दे सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? आपको दिया गया किसी वस्तु को 770 रुपये बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। 12.5% को 25/200 1/8 लिख सकते हो, 8 का खरीदा, 1 का नुकसान, बेचा 7 का होगा, एक्चुअल में 770, 1 का मान 110, 8×110=880। अब इसे मान लो ऐसे सवाल हमें ओरल करने हैं, 12.5% 1/8 लिखोगे, 8 का खरीदा और 1 का उसको लॉस हो गया, तो बेचा 7 का होगा, 7 का मान 770 के, 1 का मान 110, तो 8 का मान 8×110=880 आएगा। लगा लेंगे
तो 10 सेकंड में लगाना है, वैल्यू याद है तो 10 सेकंड नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, उसको भी हम लोग 10 से 5 सेकंड में लगाएंगे। नया टाइप हम लोग का, नेक्स्ट टाइप है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, लेके आप डर जाओगे। 5 वस्तुओं से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर, तीसरी को 15% लाभ पर, चौथी को 25% लाभ पर, पांचवी को 5% हानि पर बेचा गया, उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। अब ये सवाल आप देख के डेफिनेटली 99% स्टूडेंट सवाल को छोड़ के भर जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे सवाल है 4 लाइन का है तो हम इसको लगाएंगे कितने समय में। तो इसको हम लोग पहले बेसिक से समझेंगे, उसके बाद ये 5 सेकंड का भी क्वेश्चंस नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आपको दिया गया 5 वस्तुओं से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। अब 5 आर्टिकल बोले गए, सबका सीपी अगर सेम है तो सबको हम लोगों ने क्या क्या मान लिया बोलो। जब सबका सीपी सेम है तो सबको हम लोगों ने मान लिया कि सबका कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 रुपए रहा होगा, पहले का भी कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा 100 रहा होगा, दूसरे का 200, तीसरे का 100, चौथे का 100, पांचवे का 100। अब बताओ पहली को 10% लाभ पे बेचा, आप बताओ अगर इसने 10% प्रॉफिट है तो प्लस लिखा होगा, 10% लाभ पे बेचा, आप बताओ अगर 100 का खरीदा है 10% लाभ लिया तो बेचा कितने का होगा बोले, 110 का। इधर इसकी लिख लो, इधर आप सीपी लिखाओगे, 100 का खरीदा 10% लाभ लिया, बेचा 110 का होगा। अच्छा दूसरी वस्तु 20% की हानि हुई, अब आप बताओ अगर 20% की हानि हुई, 100 का खरीदा 20% की हानि हुई तो बेचा कितने का होगा बोलो, 100 से जो है वो 20 घटा दोगे। अगर लाभ हुआ है तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे, हानि हुई तो 100 से घटा देंगे, 20% हानि 100 से 20 जाएगा तो 80 आ जाएगा। अच्छा तीसरी वस्तु को 15% लाभ पे बेचा, अब 15% लाभ बेचा प्लस का 15% आ गया, बताओ 100 का खरीदा 15% लाभ लिया तो बेचा कितने का होगा बोलो, 115 का बेचा होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर कहा गया चौथी को 25% लाभ पे, आप बताओ चौथी को 25% लाभ पे बेचा, अगर 100 रुपए कुछ खरीदे 25% लाभ लें तो आप बताओ बेचेंगे हम लोग कितने का, 125 का बेचेंगे। अच्छा पांचवी वस्तु 5% की हानि हुई, अगर 5% की हानि हुई, 100 का खरीदा 5% की हानि हुई तो बेचा कितने का होगा बोलो, 95 बेचा होगा। आपने देखा 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का ईच आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस आर इक्वल, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, 5ों क्रय मूल्य समान है तो हम लोगों ने सबको का मान लिया बोलो, 100 100 मान लिया। आपने मान लिया कि सबका जो सीपी है वो 100 है, पहले को 10% लाभ पे बेचा, 100 का खरीदा 10% लाभ 110 के बेचा, अच्छा दूसरे को 20% हानि बेचा, 100 का खरीदा 20% नुकसान 80 बेचा होगा, और तीसरी वस्तु को 15% लाभ पर था, 100 का खरीदा 15% प्रॉफिट 115 बेचा होगा, चौथी वस्तु को कितने बेचा बोलो, चौथी वस्तु को 25% लाभ पर, 100 का खरीदा अगर 25% लाभ हुआ तो 125 के बेचा होगा, अच्छा पांचवी को 5% हानि बेचा, 100 का खरीदा 5 नुकसान हो गया तो 95 बेचा होगा। अब निकाल लो अगर हम लोग टोटल सीपी जोड़ेंगे 100 100 100 से पूरा 500 आ जाएगा। अच्छा इधर जोड़ोगे तो ये 5 5 10 5 15 आ जाएगा। अच्छा 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 9 21 21 में जोड़ोगे 22 आ जाएगा, कैरी कितना हुआ 2। अब आप बताओ 1 2 3 3 2 5 क्लियर, आप बताओ खरीदा 500 का बेचा कितने किसने, 525 का, 500 का खरीदा 525 का बेचा, सीपी दिया गया खरीदा 500 का बेचा कितने बोलो, 525 का, 100 का खरीदा 525 बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ तो आप बताओगे 25 का हुआ। अच्छा प्रॉफिट परसेंट बराबर आपने पढ़ा, प्रॉफिट अपॉन सीपी उड़े 100 आ जाएगा। अच्छा प्रॉफिट 25 का हुआ, सीपी कितना है बोलो, 500 रुपए गुड़े में कितना आएगा 100, इससे कटा 50 25 तो आंसर कितना आया बोलो, 5% आ जाएगा। खरीदा देखो 500 का बेचा 525 का, प्रॉफिट 25 का, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट अपॉन सीपी उड़े से 25 500 उड़े 100 आंसर कितना आया बोलो, 5% आया। बट ऐसे नहीं लगाना है, लगाना इसको कैसे है आपको ये मेथड लगाने नहीं, इतना बड़ा अगर हम लगाएंगे तो सिलेक्शन 2-4 साल बाद भी का होगा न करे, 7 जन्म बीत जाए। क्लियर कैसे लगाना, देखो 5 वस्तुओं से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 10% लाभ पे तो आप प्लस का सीधा सीधा 10% लिखो, दूसरी वस्तु को 20% हानि पे सीधा सीधा माइनस का 20% लिखो, तीसरी को 15% प्रॉफिट हुआ तो 15% प्रॉफिट लिख दो, चौथी को 25% लाभ बेचा तो प्लस का 25% लिख दो, और पांचवी को 5% हानि तो माइनस का 5%, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे उनसे आप डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर हो गया।
10% प्रॉफिट है, दूसरे को 20% हानि, तीसरे को 15% प्रॉफिट, चौथे को 25% प्रॉफिट और पांचवी को 5% हानि में बेचा था, माइनस का 5% आ गया, जोड़ लो 25, 15, 40, 40, 10, 50 आ गया और माइनस का 20, माइनस का 5। अब बताओ अगर 50 से 25 घटा देंगे तो 25% बचा, 25% अपॉन 5 तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना आया बोलो, 5% आ गया। आपको दिया गया 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 20% हानि पे, तीसरे को 15% प्रॉफिट, चौथे को 25% लाभ पे, पांचवे को 5% हानि पे बेचा। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 6 है तो 6, 8 है तो 8, जितने आर्टिकल दिए होंगे उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो आपने देखा 25, 15, 40, 50 आएगा और 20 माइनस का माइनस 25 आया, 50 से 25% आया, 5 ऐड करें, 5 डिवाइड करें, आंसर कितना आया बोलो, 5% आया। तो आपको ये मेथड लगाना होगा। अब आप बताओ इसमें क्या 10 सेकंड के ऊपर हमें लगना चाहिए और इसे जोड़ते चले जाओ। यहां देखा 10, ये माइनस हानि वाला छोड़ो, 10 15 कितना 25 हो गया, 25 50 हो गया, माइनस का 5 माइनस 25 25 और 50 से 25 गया 25/5, आंसर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लेते हैं हम लोग, अगला सवाल इसी, अगला सेम सवाल है हम लोग का। 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 8% लाभ पर, तीसरी वस्तु को 15% हानि पर, चौथी 6% लाभ पर, दूसरी को 8% लाभ पर, तीसरी को 15% हानि पर, चौथी वस्तु को 10% लाभ पर, पांचवी वस्तु को 11% लाभ पर बेचता है, तो कुल पर कितने परसेंट की लाभ या हानि सवाल फिट करते हैं। 5 वस्तुओं से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी को 8% लाभ पर, तीसरी को 15% हानि पर, चौथी को 10% लाभ पर, पांचवी को 11% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि, जैसे हम लोगों ने पहला पढ़ा वैसे लगाना हम लोग को एकदम। अब बताओ 6% लाभ पे बेचा तो आपने सीधा सीधा प्लस का 6% लिख दिया है ना, और फिर कहा गया दूसरी वस्तु 8% लाभ पर तो आपने प्लस का क्या लिखा बोलो, 8% लिखा। अच्छा तीसरी वस्तु को 15% हानि पे बेचा तो माइनस का 15% लिख दिया, चौथी वस्तु को 10% लाभ पे लिखा तो प्लस का 10% आ गया, और पांचवी वस्तु को 11% लाभ पे बेचा तो प्लस का 11% आ गया। अच्छा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने, 5, तो 5 से सीधे सीधे कर दो डिवाइड, बस हो गया आंसर। 5 वस्तुओं पर प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, पहली को 6% लाभ पे तो प्लस का 6 दिखाओ चाहे ना दिखाओ, बट अगर माइनस में है तो हमें जरूर दिखाना होगा 6% लाभ पर, दूसरी को 8% लाभ पर, तीसरी को 15% हानि पर, चौथी को 10% लाभ पर और पांचवी को 11% लाभ पे बेचा जाता है, तो उस पर कितने परसेंट की लाभ हानि हुई, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने, 5 हो गए, तो 5 से डिवाइड करके जोड़ लेते हैं। अब आप बताओ 11, 10 कितना आ गया, 21 आ गया। अच्छा 21 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 29 आ जाएगा, 29 में 6 जोड़ो कितना होगा, 35 होगा, और 35 से 15 घटा देंगे हम लोग तो आप बताएंगे 20% आएगा, और 20% को 5 से काट देंगे तो आपका जो आंसर आया टोटल पे कितने परसेंट का लाभ हानि हुआ, लाभ जो हुआ वो कितने का हुआ, 4। हाँ अगर माइनस में आता तो आंसर हानि हो जाती, प्लस में आया तो लाभ हो गया। फिर से देख लेते हैं, आपसे कहा गया 5 वस्तुओं प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी को 8% लाभ पर, तीसरी को 15% लाभ पर, चौथी को 10% लाभ, पांचवी को 11% लाभ पर बेचता है तो कुल पर कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। तो आपने देखा पहली को 6% लाभ पे चाहे प्लस का 6, दूसरी को 8% लाभ प्लस का 8, तीसरी को 15% लाभ माइनस 15, चौथी को 10% लाभ प्लस का 10, पांचवी 11% लाभ पर प्लस 11, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बोलो, 5 थे, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दिया, 11, 10, 21 आए, 21, 8, 29 है, 29 से जोड़ोगे 35 आएगा, और 35 से 15 घटाओगे 5, 20 बटा 35 से 15 घटाओगे 20 बटा 5, आंसर 4%। अब आप खुद बताओ कि 10 सेकंड में सवाल लगेगा कि नहीं, 10 सेकंड में सवाल ना लगे तो वीडियो मत देखना और सब्सक्राइब जब करना जब सवाल आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। हम लोग चाहे जितना टफ सवाल होगा हर सवाल को हम लोग 10 सेकंड में लगाएंगे, जहां एग्जाम में हमें 25 मिनट का समय, मैथ में आधा घंटा का समय अगर आपको लगता रहा होगा तो मेरे से पढ़ने के बाद में आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन या 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन निकालोगे, इसकी गारंटी है। और जब समझ में आ जाए सवाल को 10 सेकंड में लगा लो, तभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।